स्टार्ट करते हैं रेलवे सीरीज के फोर्थ वीडियो। इसका टॉपिक है जो राजवंश थे और उनके संस्थापक, किसने किस राजवंश को स्थापित किया। स्टार्ट करते हैं, पहला राजवंश गुलाम वंश, किसने स्थापित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, गुप्त वंश किसने स्थापित किया था? श्री गुप्त ने। खिलजी वंश को किसने स्थापित किया? जलालुद्दीन खिलजी ने। तुगलक वंश को गयासुद्दीन तुगलक ने। कुतुबशाही वंश को कुली कुतुब शाह ने। शिशुनाग वंश को शिशुनाग ने। हरियक वंश को बिंबसार ने। मौर्य वंश को चंद्रगुप्त मौर्य ने। राष्ट्रकूट को दंती दुर्ग ने। लोंदी को बैलर लोदी ने। चोल वंश को विजयालय ने। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें क्या समझना है तो याद करना है। ठीक है, हर्षल वंश को वष्णुवर्धन ने। सरकी वंश को मलिक सरोवर ने। ठीक है, पाल वंश को गोपाल ने। चौहान वंश को वसुदेव ने। और लोहार वंश को संग्राम राज ने। और कुषाण वंश को कुजल कड़फेसिस ने। संगम वंश को हरिहर बुक्का ने। बहमनी वंश का असन गुरु ने। सुंग वंश को पुष्यमित्र सुंग ने। सोलंकी वंश को मूल राज ने। और कलचुरी वंश को कोक्कल ने। ठीक है, तो ये हो गए प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। ठीक है, इसको एक बार और बता देता हूँ। गुलाम वंश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुप्त वंश को श्री गुप्त ने। खिलजी वंश को जलालुद्दीन खिलजी ने। तुगलक वंश को गयासुद्दीन तुगलक ने। कुतुबशाही वंश को कुली कुतुब शाह ने। शिशुनाग को शिशुनाग ने। हरियक वंश को बिंबसार ने। मौर्य वंश को चंद्रगुप्त मौर्य ने। राष्ट्रकूट को दंती दुर्ग ने। लोदी वंश को बहलो लोदी ने। चोल वंश को विजयालय ने। ठीक है, होयसल को हयसल वंश को विष्णुवर्धन ने। सरकी वंश को मलिक सरोवर ने। पाल वंश को गोपाल ने। चौहान वंश को वासुदेव ने। लोहार वंश को संग्राम राज ने। कुषाण वंश को कुजल कड़फेसिस ने। संगम वंश को हरियर एवं बुक्का ने। बहमनी वंश को असन गुंगू ने। सुंग वंश को पुष्यमित्र सुंग ने। और लास्ट में सोलंकी वंश को मूल राज ने। और कलचुरी वंश को कोक्कल ने। ठीक है, तो ये हो गए राजवंश उनके संस्थापक। करंट अफेयर के वीडियो में डेली डाल रहा हूँ, उनको भी आप देखा करें। साथ में इंग्लिश अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, उसको भी आप देखा करें। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट करके बता दें, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को दूर कर सकूँ। और आपको जो कुछ चाहिए आप के वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। आप हमें ऐसे ऐसे पढ़ाई है या ये चीज़ ऐसे सही है, तो आप वो भी कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।